हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही स्पेशल विंटर का स्पेशल टोमेटो सूप की रेसिपी लेकर के आई हूँ, जिसे पीने से इम्यूनिटी बूस्ट होता है और ये सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो चलिए दोस्तों, इसे बनाना शुरू करते हैं। सूप बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें बटर डालेंगे और बटर को पूरी तरह से मेल्ट होने देंगे। और बटर मेल्ट हो गया है, इसमें तेज पत्ते डालेंगे और बारीक कटे हुए लहसुन डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें दालचीनी डालेंगे और फिर लौंग डाल देंगे। लगभग 10 लौंग डाला है मैंने, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें कटा हुआ लगभग 6 से 7 मीडियम साइज का टमाटर डाल देंगे और इसे हम अच्छे से इसके साथ मिक्स करेंगे। फिर हम इसको कवर करके लगभग पहले 5 मिनट के लिए कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद कवर को हटाएंगे और हम इसे फिर से अच्छे से चला लेंगे और दोबारा से हम इसे कवर करके 5 मिनट के लिए और कुक होने देंगे। फिर से इसे हम अच्छे से चला लेंगे। और उसके बाद हम गैस को बंद करके इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब हम इसमें मिक्सिंग जार में डाल देंगे, तेज पत्ते को नहीं डालेंगे। बस हमने इसे जार में डाल दिया है, अब हम इसे एक बार पीस लेंगे अच्छे से। इसका पेस्ट तैयार हो चुका है। इसमें अब हम आधा ग्लास पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद इसे दोबारा से अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने इसे तैयार कर लिया है, मिक्स कर लिया, दोबारा मिक्सी में चला करके अब हम इसे छान लेंगे। इसे स्पून की सहायता से इस तरह से घुमाते घुमाते हमें पूरी तरह से इसे छानना है। लास्ट में जो बच जाए उसको हम इस तरह से स्पून की सहायता से मिक्स करते हुए और प्रेस करते हुए एक्स्ट्रा रस निकाल लेना है। और आप देख सकते हैं ये सूप हमारा तैयार हो चुका है। बाउल में हमने निकाल लिया है छान करके, और अब हम इसे दोबारा से उसी पैन में डाल देंगे और इसको हम बॉईल होने देंगे। सूप में बॉईल आ चुका है, अब हम इसमें मिर्च पाउडर डालेंगे। इसमें उसके बाद हम पेपर डालेंगे, लगभग आधा चम्मच के करीब हम इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी इसमें ऑप्शनल है। और इसमें स्वादानुसार हम नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी डालने से इसका स्वाद बढ़ जाता है। और तब तक हम कॉर्नफ्लोर का घोल तैयार करेंगे। लगभग 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा पानी डाल करके हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम इस घोल को इस सूप में डाल देंगे। इससे सूप का कंसिस्टेंसी थिक हो जाएगा। और इसे लगभग मिक्स करने के बाद हम 2 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे। सूप को हम एक बार इस तरह से मिक्स करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये थिक कंसिस्टेंसी का होने लगा है। हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा सूप बहुत ही परफेक्ट बन करके तैयार हुआ है। इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, इम्यूनिटी बूस्टर हमारा टोमेटो सूप बन करके तैयार हो चुका है। और अब हम इसमें क्रीम डाल करके इसे गार्निश करेंगे, जिससे ये देखने में और अधिक अच्छा लगेगा।
तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सबके साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।